भूपेंद्र सिंह, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं। मुझे अब ये वीडियो कहीं से मिली है और ये वीडियो मुझे कहीं से मिली है और मैं आपको एक ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ कि जिनको जिन बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है, वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद में खुद इस वीडियो के अनुसार ही अपने आप को ढालें तो हो सकता है कि उनका पढ़ाई में मन लगना लग जाए। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम दिखाते हैं कि जिन बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता है, वो किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई मन लगाना आरंभ कर देंगे। देखते दोस्तों देखते हैं। एक इंसान रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहुत सारे बंदर उसकी तरफ आ रहे हैं। वो भागना शुरू किया। जितनी स्पीड से वो भाग रहा था, उतनी स्पीड से बंदर उसका पीछा कर रहे थे। वो डर गया था कि अचानक एक आवाज़ उसे सुनाई दी, भागो मत, बंदरों का सामना करो, उनके सामने डट के खड़े हो जाओ। उस इंसान ने ऐसा ही किया। वो मुड़ा और बंदरों के सामने डट कर खड़ा हो गया। सभी बंदर अचानक रुक गए। कई बंदर उस इंसान को डराने की कोशिश करे पर वो डट कर खड़ा रहा। आखिरकार सारे बंदर चले गए। आपको पता है वो इंसान कौन थे? वो स्वामी विवेकानंद थे। उन्हीं के साथ ये घटना घटी थी और उन्होंने सफल होने का सबसे बड़ा लेसन सीख लिया कि जितना हम अपनी कमजोरियों, अपने डर से भागेंगे, उतना ही वो हमारे पीछे पड़े रहेंगे। अगर हम अपनी कमजोरियों को हराने की ठान ले तो वो कमजोरी अपने आप चली जाएंगी, जैसे वो बंदर चले गए। दोस्तों, हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम पढ़ाई करने से बचते रहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, हम बोर हो जाते हैं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। ये सब बातें हमारी कमजोरियाँ हैं। अगर हम ऐसे ही अपनी कमजोरियों से भागते रहेंगे तो वो कमजोरियाँ उन बंदरों की तरह कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। पर जिस दिन हम ठान लेंगे कि अब बस बहुत हुआ, मैं अपनी सारी कमजोरियों को हरा कर रहूँगा, तब आप देखना आपकी ये कमजोरियाँ जो आपको बहुत बड़ी लग रही थी, उनकी कोई औकात नहीं रह जाएंगी आपके सामने। वो उन बंदरों के जैसे भागना शुरू कर देंगी। तो जब भी आप ये बोलते या सोचते हो कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे पढ़ाई बहुत बोर लगती है, तब आप ये परेशानियाँ अपने लाइफ में और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। उमुल खेर नाम की एक लड़की है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में IAS ऑफिसर बन गई। वो डिसेबल है। उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि अगर वो गिर जाती हैं तो उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। उनका शरीर 20 से ज़्यादा बार फ्रैक्चर हो चुका है, फिर भी आप देखिए वो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम UPSC को क्लियर कर गई और IAS ऑफिसर बन गई अपने पहले ही अटेम्प्ट में, जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत साल लग जाते हैं। तो उन सफलता का राज क्या है? वो अपनी शारीरिक कमजोरी से लड़ी, भागी नहीं। अगर भागती तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, बस भगवान को दोष देती रहती कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है। जब हम भगवान से पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसका एकदम क्लियर मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों से डर गए हैं, उनसे भागना चाहते हैं। पर ये कमजोरियाँ तो वो बंदर हैं कि आप जितना इसे दूर भागोगे उतनी तेज़ी से आपके पीछे आएंगे। तो भागना बंद कर दीजिए और अपनी कमजोरियों से आँख मिलाकर उसका सामना कीजिए। डट जाइए उनके सामने, चाहे वो कितना भी आपको तंग करे, आप उनसे भागे मत। अपनी कमजोरियों को हराने की ठान लें, ठान लें कि मुझे टॉप स्टूडेंट बनना ही है, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं डटे रहूँगा, भागूंगा नहीं। जिस दिन आपका ये एटीट्यूड रहना स्टार्ट होगा, उसी दिन से आपकी प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की ठान लेंगे, तब आपको अपनी शक्ति का सच में पता चलेगा कि आप कितनी ज़्यादा शक्ति लेकर पैदा हुए हो। और वो शक्ति सोई हुई इसलिए है क्योंकि वो तभी जागती है जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की ठान लेते हैं। हम में से ही कोई IITian, IIM, IAS ऑफिसर बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपनी परेशानियों, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की ठान लेते हैं और जैसे ही वो ठानते हैं, उनकी सोई शक्ति जागनी शुरू हो जाती है और आखिरकार एक दिन वो अपना सपना पूरा कर लेते हैं, जो एक टाइम उनके लिए भी इम्पॉसिबल लगता होगा, जैसे मैंने उमुल खेर के बारे में बताया आपको। तो अपने सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है। उन सपनों को पूरा करने में आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उनको हराने की ठान लें, फिर आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है, अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की मतलब क्षमता नहीं रख पाता है और वो उन एग्ज़ाम से इतना दूर भागता है, तो वो उतने ही
पढ़ाई जो हमें परीक्षा पास करने के लिए हमारे सिर पर बहुत सवाल होता है कि हमें ये पास करना है, अगर हम उससे डर गए तो ये एक दिन ऐसा होगा कि हम वो खुद ही हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम इतना गिर जाएंगे नीचे कि हम उस एग्ज़ाम को पास करने की भी सोच नहीं सकते। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी जैसा वीडियो चाहिए हम उस प्रकार वीडियो आपको तक तो पहुँचाएंगे। आपको इस यूपी टेट सी टेट की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि चैनल आपको कैसा लगा, और उसके माध्यम से हमें आपको बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका अपना